क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लव, इसमें से कंपल से क्वेश्चन आता है, ध्यान से पढ़ना, एक ही पैटर्न के सभी क्वेश्चन, मतलब एंगल ऑफ एवरी वो होता है एलिवेशन या फिर डेफिनेशन, बिल्कुल एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, अ सर्किट आस्क, सॉरी a circus circus artist is climbing a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole. If the angle made by the rope with the ground level is 30 degrees. वापस बोल रहा हूँ, a circus artist is climbing, क्लाइंबिंग का मतलब क्या है, चढ़ रहा है 20 मीटर लॉन्ग रॉक विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ये आपकी पोल, पोल वर्टिकल होगी, इसी से ये क्या बंधी हुई है आपकी, लॉक जो है वो बंधी हुई, ठीक है, और ये रोप कितना मीटर है, और ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये आपका ग्राउंड लेवल, ठीक है, क्लियर, ए बी एंड सी, 20 मीटर लॉन्ग रॉप, ये 20 मीटर लॉन्ग रॉप है आपकी, ये यहां से यहां अब ये रहे एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, ग्राउंड से 30 डिग्री यानी कि ये रहा, और हमें क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द पोल हमें ये निकालना है, ये लेट द हाइट ऑफ द पोल बी एक्स, ठीक है, क्लियर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्राइंगल ए बी एंड सी, क्लियर, टेन 30 डिग्री दैट इज एंगल ऑफ एंगल ऑफ ये एंगल, और परपेंडिकुलर होता है उसमें एक्स दैट इज ए सी अपॉन, सॉरी ये 10 नहीं है, क्यों नहीं है उसका कारण आपको निकालना, क्या हाइट और जीवन क्या है, हाइपोटेनियस, क्यों, क्योंकि एंगल के सामने जो होता है उसको बोलते हैं अपन परपेंडिकुलर, ये आपका बेस और ये आपके हो गया हाइपोटेनियस, यस, तो यहां पर परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस है, इसका मतलब ये क्या है, साइन 30 डिग्री, साइन जिसका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना आपका ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, साइन 30 1/2 एसी नॉट गिवन है, अपन एक्स माना है और ए बी आपका है 20 मीटर, ठीक है, क्लियर, साइन 30 1/2 ये देखो चेक करो, हाँ बस क्रॉस मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 2x, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 20 अपॉन 2 दैट इज एक्स, दैट मींस हाइट ऑफ पोल विद 10 मीटर, दैट इज योर आंसर, चेक, क्योंकि जब आपको तो निकालना होता है परपेंडिकुलर और गिवन है आपके हाइपोटेनियस, तो आप देखो ना साइन में आ जाता है, ठीक है,
आंधी आने से क्या हो गया, टूट गया और वो यहाँ आके ऐसे गिर गया। कैसे गिर गया ये? ये ऐसे गिरा और ये ऐसे हो गया। ऐसे गिरा ना, पेड़ तो ऐसे गिरेगा। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है? A tree break due to storm and the broke part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it. कितना एंगल बन रहा है यहाँ? 30. Okay, the distance between the foot of the tree, ये आपका tree का foot है, और to the point where the top touches the ground, ये आपका टॉप क्या और टच हो रहा है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका? 8 meter. हमें क्या निकालना है? हाइट, हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि ये निकालना है, निकालना है ए बी एंड लेट द हाइट ऑफ द ट्री यहां पर 10 लग जाएगा। ठीक है, क्लियर? एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल ए बी एंड सी, ठीक है, 10 30 डिग्री इक्वल टू AC upon BC, कैपिटल अमाउंट AC होता है ना, ये दे रखा है, ये निकाल रहे हैं। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, आई थिंक सो। AC हमारा नहीं और BC हमारा कितना? 8 है, तो 8 इक्वल हो जाएगा √3x, तो x इक्वल हो जाएगा 8/√3, और शायद यहाँ लिखा हुआ है कि आपको √3 की वैल्यू लेनी है 1.73, ये रखी क्या? तो पीछे से आंसर था 8 8 2 3। सही सर, 8 √3 meter, 8 √3 meter। 10 की वैल्यू देखो, √3 हो गया, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं। x इक्वल टू कितना है आपका? लेकिन अभी तक ये इतनी ही हाइट आई है, लेकिन हमको क्या है, पेड़ की टोटल हाइट चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये जो टूट गया वो भी तो लंबा होगा, ये पेड़, ये जो है आपका, अगर मैं आपको एक चीज और यहां पर थोड़ा सा इससे समझाऊं, ये इतना लंबा है, अब ये ब्रेक कहां से हुआ है? बीच से हुआ है, यहां से बनेगा, तो ये वाला पार्ट टूट के नीचे आ गया ना, तो इस वाले पार्ट की भी तो मुझे क्या निकालनी है, तो इसको मैं क्या मान लूंगा, ये x और ये क्लियर। मुझे इस पूरे की हाइट निकालनी है, अभी सिर्फ किसकी निकली है? अब ये जो हेड पार्ट, वो ये आ गया टूट के, ऐसे लिख रहा ना, इसका मतलब मुझे हाइट किसकी निकालनी है? रीजन क्लियर हो गया? पहले क्या था, ये दे रखा था मुझे इसकी हाइट निकालनी, अब ये तो आ गई, लेकिन मुझे अब साथ साथ में जो पार्ट टूट गया उसकी भी हाइट निकालनी पड़ेगी, फिर मैं दोनों को क्या करूंगा? प्लस, तब जाके आंसर। तो अगला क्या बनेगा, ये आपको दे रखा है और ये आपको दे रखा है, तो क्या बन जाएगा आपका? बाय 30 बेस है ना, तो ये बन जाएगा कोस, कोस 30 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन कोस 30 की वैल्यू बताओ? √3/2, बेस कितना है आपका? और हाई
हाइट नहीं पता है, अपन ने क्या मानी है, तो क्या जाएगा रूट थ्री वाई इज इक्वल टू 16, तो y इक्वल हो जाएगा 16 अपॉन रूट ये टूटे पॉइंट आ गया और ये तो अब क्या आ जाएगा हाइट ऑफ एंड y बोथ, यहां आ जाएगा क्या ये आपका है ना, तो मैं क्या इसको ओपन a कर देते हैं और ये आ जाएगा आपका d। तो हाइट ऑफ द ट्री का मतलब क्या हो गया AC प्लस ए बी, AC कितना है आपने निकाला था जो ए डबल रूट थ्री और प्लस AD को हमने क्या माना था AB माना है, पता है तुम्हें ये, क्योंकि ये जो पार्ट टूटा है वही तो नीचे गिरा है, तो इसका निकाला ना अपन प्लस आएगा 16 अपॉन रूट ए रूट थ्री एक दो 16 रूट थ्री ये कितना आया था एट रूट थ्री प्लस 16 रूट 24 रूट थ्री अपॉन थ्री एट रूट 16 24 रूट थ्री का रूट थ्री आ गया कितना आ जाएगा एट को 16 अपॉन प्लस कर लिया क्योंकि भाई पूरा पेज टूटा, पहले हमने ये निकाला फिर जो टूटा पार्ट था वो सीधा ऐसे गिरा होगा तो इसका भी निकाला, फिर दोनों जोड़ लेंगे तो पूरे ट्री का और तो इससे जो है वो सिर्फ रूट थी, दोनों सेम है ना, तो ये आ जाएगा ना, मैंने पहले भी समझाया, क्या समझाया था, जब डिनोमिनेटर आपका सेम होता है वैल्यू आपस में क्या होती है सेम यानी प्लस हो जाती है, 8 प्लस 16 क्या आ जाएगा 24 अपॉन रूट 3 रूट 3 है रूट 3 सेम आ गया ये आपस में क्या हो जाएगा प्लस, अब इसको सॉल्व करने क्या आएगा 8 * 3 अपॉन रूट 3 ये आएगा 8 * रूट इस 3 को मैं लिख सकता हूं रूट 3 * रूट अपॉन रूट कैंसिल हुआ 8 रूट, चलो आज मैं ध्यान नहीं रहा।